कर देंगे। देखिए सब तो कहने की बात है, अभी कोई यकीन करेगा जो कहा जा रहा है? ये सब कहने की बात है, ये सब कह के ही काम चलाया जाता है, दुकानदारी चलेगी कैसे? इसलिए इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। पवार ने कहा है कि आज हम महाराष्ट्र आघाड़ी पार्टी में हैं, कल हो सकता नहीं हो, तरह तरह के बयान उनके। हम नहीं कर सकते, हमने देखा नहीं है बयान, लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उथल पुथल हो रहा है। अजीत पवार जो शरद पवार जी के भतीजे हैं, वो जो है मीटिंग में नहीं आए। दो दिन पहले जो बम्बई में मीटिंग हुई, पार्टी के सारे महत्वपूर्ण नेता जो है मौजूद थे वहाँ, वो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारा पूना में पहले से कार्यक्रम लगा हुआ है, नहीं गए। उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी की जिस ढंग से तारीफ की, उससे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं साहब, वो किसी हालत में ये जो शरद पवार के नेतृत्व में या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो गठबंधन है उस पर रहने के लिए तैयार नहीं है। अब उसी में ये जो बयान आ रहा है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जिसके बारे में हमने देखा नहीं है, अब ये बात समझ में नहीं आने वाली है। और शरद पवार को समझना भी बहुत आसान नहीं है। अब देखिए वो क्या करने जा रहे हैं। अब ये सब लोग जो है सीनियर लोग हैं, अब इन लोगों का जो आचरण है इस ढंग से दिखाई देगा कि आज हम कुछ बोल रहे हैं, कल हम कुछ बोलने लगेंगे, ये तुरंत अगर 6 महीना साल भर 2 साल का माने गैप हो, इंटरवल हो, उसके बाद अगर आपकी राय बदलती है तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी जो है इस क्षण हम कुछ बोल रहे हैं, अगले क्षण कुछ बोल लेंगे, इसके बारे में अनुमान लगाना क्या माने सबके लिए कठिन है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ममता जी से मिलेंगे, फिर अखिलेश से मिलेंगे, अपोजिशन को करने की मुहिम क्या हो जाएगा? मैं बार बार कहता हूं कि 10 गो बुझा हुआ दीपक को एक जगह मेज पर रख देने से पेट्रोमैक्स की तरह और भैपर की तरह लाइट करने लगा। ये सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अलग अलग। नीतीश जी मिल रहे हैं, नीतीश जी को कोई काम भी नहीं है। बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, बिहार के शिक्षा चिकित्सा संभल नहीं रहा है, तो कुछ इंटरटेनमेंट के साधन चाहिए, तो इंटरटेनमेंट के लिए गए हैं। और ममता दीदी कितना नोटिस लेंगी, ममता दीदी को ही लोग मान लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अखिलेश जी से भी मुलाकात होगी? हाँ, तो अखिलेश जी से भी मुलाकात। अब ये घूमते ही रहे नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, और अपना हर लोगों से जाके आरजू विनती करते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सारे लोग अति महत्वाकांक्षी का जमात है, सारे लोगों का अति महत्वाकांक्षा, और जहाँ अति महत्वाकांक्षा होते हैं वहाँ कोई परिणाम नहीं निकलते हैं। सुनी चौबे कहते हैं कि फिरंगी का यहाँ शासन है, फिरंगी के लाल सब कुछ सुन ले, 24 में बांग्लादेश से भी और 25 में भी बात करेंगे। उनका कहने का लक्ष्य यह है कि 24 और 25 में बिहार की जनता जो इनके नाटक को देख रही है, वो यहाँ से इनको मुक्त कर देगी, और जब मुक्त हो जाएंगे तो ये अपना कहीं भी जा सकते हैं, अब इनकी जरूरत बिहार को नहीं है। शरद पवार जी का अपना स्टैंड बदलते रहता है कपड़ों के हिसाब से, और वो पॉलिटिकल आदमी है, इन लोगों के फेरा में पड़ने वाले नहीं है, इसलिए वो पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से अपने विजन को, अपने विजडम को बढ़ाते हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। शरद पवार जी अच्छे लोग हैं। तो जब एक आदमी इस तरह की बातें कर रहा है और अपोजिशन को एक करने की बात कर रहा है, ये सब बात उनको नहीं दिखाई दे रही? अपोजिशन वैसा ही कभी एक नहीं हो सकता जिसे बेंग एक जगह बैठ के कोई पंचायती नहीं करता। बेंग का पंचायती और अपोजिशन का बैठ के दोनों बराबर है। जहां बैठाइएगा बेंग को, एक वो फुदक भाग जाएगा, दूसर का फुदक के इधर चला जाएगा। वैसे ही प्रतिपक्ष है, देखते चलिए।